हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार अलाइन कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित 10 सम्मेलन को इस वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा। जो मैंने इस वीडियो में पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित जो 10 सम्मेलन को सेलेक्ट किया है, ये सारे सम्मेलन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये सम्मेलन जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और दोस्तों, यह जो वीडियो है सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ और जैसे रेलवे हुआ, एसएससी हुआ। रेलवे की एग्ज़ाम में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों हम चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं स्टॉकहोम सम्मेलन। यह पर्यावरण का पहला सम्मेलन था और यह जो स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, यह 1972 में शुरू हुआ था। कभी कभी दोस्तों एग्जाम में पूछा गया कि स्टॉकहोम सम्मेलन कब शुरू हुआ था, तो यह 1972 में शुरू किया गया था। और दोस्तों स्टॉकहोम सम्मेलन को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन भी कहा जाता है। और दोस्तों इस सम्मेलन को पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसी सम्मेलन में दोस्तों UNEP की स्थापना हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि UNEP की स्थापना किस सम्मेलन के तहत, किस पर्यावरण सम्मेलन के तहत किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत UNEP की स्थापना हुआ था। तो दोस्तों यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में यह पॉइंट पूछा गया है। और दोस्तों UNEP का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और नेक्स्ट पॉइंट यह दोस्तों यह कि इसी सम्मेलन में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया। और यह जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों है, एग्जाम में पूछा गया कि पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, यह किस सम्मेलन के द्वारा शुरू किया गया, तो यह स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाना स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट सम्मेलन दोस्तों हेलसिंकी सम्मेलन। और यह सम्मेलन दोस्तों 1974 में हुआ था और यह जो कहाँ हुआ था, यह फिनलैंड में हुआ था। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो एग्जाम में दोस्तों एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना यह किस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, तो यह उद्देश्य था हेलसिंकी सम्मेलन का। और क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया था कि हेलसिंकी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ऑप्शन में दिया था कि सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, यही राइट था दोस्तों। वियना सम्मेलन। तो वियना जो सम्मेलन दोस्तों यह कब हुआ था, 1985 में हुआ था और यह कहाँ हुआ था, यह ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना, यह पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि ओजोन परत का संरक्षण करना किस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, तो यह उद्देश्य था वियना सम्मेलन का। मॉन्ट्रियल सम्मेलन दोस्तों, मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन है यह 1987 में स्टार्ट हुआ था और यह कनाडा में हुआ था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि वियना सम्मेलन, इस वियना सम्मेलन का भी उद्देश्य जो था ओजोन परत का संरक्षण करना और मॉन्ट्रियल सम्मेलन का भी उद्देश्य है ओजोन परत का संरक्षण करना। इन दो सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना था। आप लोग विशेष रूप से दोनों को अपने दिमाग में रखिएगा। रियो सम्मेलन। तो दोस्तों रियो सम्मेलन जो है 1992 में हुआ था और यह ब्राज़ील में किया गया था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। और इस सम्मेलन का जो दूसरा नाम था यह पृथ्वी सम्मेलन, यही दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है कि रियो सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है, वह है पृथ्वी सम्मेलन, यह बहुत बार पूछा गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी सम्मेलन में एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। तो दोस्तों बात करते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। यह सम्मेलन जो है 1997 में हुआ था और यह जापान में हुआ था। और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भूमंडलीय ताप कम तथा ग्रीन हाउस गैस की पहचान करना, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। और इसका दूसरा नाम था पृथ्वी प्लस 5 के नाम से जाना जाता है इसे। तो दोस्तों बात करते हैं जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग यह सम्मेलन जो है वह 2002 में हुआ था और यह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था सतत विकास पर विशेष बल। और इस सम्मेलन को पृथ्वी 10 तथा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। सम्मेलन मूसा दुआ जो सम्मेलन है यह 2007 में हुआ था और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य 2050 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। तो दोस्तों बात करते हैं कोपेनहेगन सम्मेलन। कोपेनहेगन सम्मेलन यह 2009 में शुरू हुआ था और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस में कटौती और कम कार्बन को उत्सर्जन करना, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों बात करते हैं कानकुन सम्मेलन। यह सम्मेलन 2010 में हुआ था और यह मैक्सिको से हुआ था और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हरित जलवायु कोष स्थापित करना।
तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सम्मेलन को मैंने इस वीडियो में करवा दिया जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल में पहली बार आते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।